Namaskar, my name is Siddhartha Sinha and you are all welcome to Sid Art Studio. Thank you.
So friends, how did you like it? अगर आपको अच्छा लगा ये पेंटिंग आप इसे शेयर कीजिएगा. As I always say that sharing is a gesture of appreciation for an artist. दोस्तों ये जो मैंने आपके सामने ये पिक्चर बनाया है ये जनरली इंस्पायर हुआ है कंचनजंगा माउंटेन से. और ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे काम यहाँ पे किया है इसको मैंने टाइटल दिया है स्टारी नाइट, या आप इसे प्रिसाइसली ऐसा भी कह सकते हैं कि माउंटेन एट स्टारी नाइट. आप जब कोई माउंटेन को देखेंगे और उसे विजुअलाइज करेंगे कि वो तारे भरे रात्रि में आप उसे कैसे देख पाए, तो वैसा ही कुछ अनुभव मैं आपके सामने लेके आया हूं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि रात्रि का अवसर है, रात्रि का सीन है, यहाँ पे जंगल है और कुछ घर है, घर के लाइट्स जल रहे हैं, वो भी एक तरह का तारों के जैसे ही दिखता है, क्योंकि दूर से अगर हम कोई पहाड़ में या फिर किसी जगह पे घर में जलते हुए बत्ती या फिर घर में जलते हुए जो लाइट्स वगैरह है देखते हैं तो हमें उससे भी एक तारों का अनुभव हमें मिलता है. जनरली स्टारी नाइट एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है. हमारे जो आर्टिस्ट थे विंसेंट वैन गॉग का बहुत ही अप्रतिम पेंटिंग. साधारण भाषा में आप उसे व्यक्त नहीं कर सकते कि उसे अगर आप इस पेंटिंग को जब आप देखते हैं स्टारी नाइट तो अपने आप में ही उसमें बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है. इट्स अ परफेक्ट यूनिटी ऑफ दैट पेंटिंग. तो वैसे ही एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था, इंट्रोड्यूस किया था इस दो टर्म से, तो उन टर्म्स को और विस्तार से समझाने के लिए मैंने ये पेंटिंग किया है. सो दिस इज माई वर्जन ऑफ स्टारी नाइट बाय सिद्धार्थ सिन्हा. कैसा लगा आप डेफिनेटली कॉमेंट बॉक्स पे लिखिएगा. कॉमेंट बॉक्स सबके लिए ओपन है. अगर आपको अच्छा लगे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को ताकि इस तरह का और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स आपको मैं पेश कर सकूं. वैसे भी आने वाले वीडियोज में, जैसे मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि आने वाले वीडियोज में ये पेंटिंग कम्प्लीट करने के बाद मैं आपको एलिमेंट्स और प्रिंसिपल का जो मतलब कॉम्बिनेशन है और वो कंबाइन करने के बाद जो आपको एक प्रॉपर यूनिटी दिखता है एक पेंटिंग में, वो कैसे होता है वही मैं आपको दिखाने वाला हूं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ओवरऑल अगर मैं आइडिया आपको दू, यहाँ पे आपको लाइन्स भी नजर आएंगे, यहाँ पे आपको कलर नजर आएगा, यहाँ पे अलग वैल्यूज आपको नजर आएंगे, यहाँ पे आप अगर देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पे आपको टेक्सचर नजर आएगा, यहाँ पे शेप और फॉर्म्स आपको पता चलेगा, इसमें स्पेस रिलेशनशिप के बारे में भी आपको पता चलेगा जो कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है. प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में आपको इसमें बैलेंस नजर आएगा, ओके. फिर इसमें आपको एम्फेसिस नजर आएगा, इसमें आपको हार्मनी नजर आएगा, वैरायटी क्या आया है इसमें, वैरायटी का क्या महत्व होता है, फिर ग्रेडेशन है या नहीं है इसमें, अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें आप कैसे मूव कर सकते हैं, मूवमेंट है या नहीं, रिदम कैसा है इसमें और इसका प्रोपोर्शन कैसा है. तो ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ट और एलिमेंट्स ऑफ आर्ट दोनों को कंबाइन करके ये जो टोटल पीस ऑफ वर्क आपके सामने पेश मैंने किया है, तो ये कैसे फॉर्म हुआ, ये यूनिटी कैसे मैंने क्रिएट किया है, उसी को विस्तार से हम आगे के वीडियोस में समझाएंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून टू सिद्धार्थ स्टूडियो एंड रिमेम्बर माई फ्रेंड्स दैट आर्ट इज लाइफ एंड लाइफ इज आर्ट.